से ज़्यादा वादा पूरा ना होके फिर 5 साल के बाद वह वादा के साथ कुछ नया जोड़ के और सरकार बनावे खातिर तरह से आग्रह करे लगी राजनीतिक दल। तो सबसे बड़ बात होला कि देखो जब गांव घर में तरह केहू से लड़ाई हुई तो कोशिश करब कि अधिक से अधिक लोग के ओकरा के छोड़ के जरा लड़ाइए बा के छोड़ के बाकी सब लोग से जबरदस्ती का भाई ठीक बात तब। लेकिन बीजेपी के लोग मैंने इतना डिफेंड करता हूँ कि तेजस्वी के काल में का रहे लालू राज में का रहे भाई रोहरा राज में का बा ना बताई पहले रत्नेश अगर तेजस्वी के बाबूजी या माई के राज सबसे नंबर टीडीपी से भी एक आदमी के आर नायडू के रखल गई बा और के आर नायडू काफी मजबूत आदमी बाड़े वो मैंने तोड़ सकेले सांसद काफी मजबूत आदमी बाड़े और उनका के मंत्रिमंडल में शामिल कर गई बा नीतीश कुमार के 15% वोट। और बार बार हम ये बात कहते नहीं कि जब 2020 के आंकड़ा हम देखा था नहीं तो 2020 के आंकड़ा में दू गो लोग के तू एक जगह कह दो नमस्कार प्रणाम गोर लगा तनी रोरा सबके एक बार फिर से रोरा सबके अपन कार्यक्रम खूटा में बहुत बहुत स्वागत बा। बिहार के राजनीति पर चर्चा होला देश भर के राजनीति पर नजर रखेनी। देखिए बिहार में एक बार फिर से चर्चा चलता कि केंग अतिया जुगाड़ लगा के अपन मतलब इकलौता राज कर जाओ। भारतीय जनता पार्टी चाहता कि हम मतलब एकमुश्त राज करें बिहार पर। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कहीं इतना दिन तक सब कुछ ठीक रहा लेकिन अब हमने के अपन सरकार होके के चाहिए। दूसरा तरफ तेजस्वी यादव भी ये फेरा में लागल बाड़े कि कैसे नीतीश कुमार के रिप्लेस कर जाओ। खूटा पर ही तमाम विषय पर आज चर्चा हुई कि मोदी साहब कर ले सरकार बचावे के जुगाड़ नीतीश तेजस्वी बिना बिहार में बनी सरकार ये विषय पर खूंटा ठोकावल जी बाबा जुड़ गई बनी रोरा सबके साथ है। मोदी साहब सरकार बचावे के जुगाड़ कैले बड़े कौन सरकार केंद्र के कि बिहार के कुछ कहला का हम तो सुनबे नहीं कहे का है ऐसा हूँ जब पद पदवी मिले आदमी के पगड़ी मिल जाला तो ध्यान कम देला ये हाल हमने के देश के सरकार के बारे। अच्छा अच्छा तू चिचियात रह सुनी ना ना कहला अंधी बहरी सरकार इसको करो सत्ता से बेकार। सीधा सा बात बाकी देखो जब कोनो तरीके के चुनाव होला तो चुनाव में चुनाव जो है नीचे स्तर के होके या ऊपर के स्तर के यानी पंचायत से लेकर के और लोकसभा के चुनाव तक जौन खास करके आम लोग चुनेला वो चुनाव में आम लोग के बहुत सारा चीज देखावल सुनावल जाला। हाँ ना ये कांग्रेस अब की कॉल है कि खटा खट खटा घट धका धक एकदम एकरा में अब तक 90% से ज्यादा वादा पूरा ना होके फिर 5 साल के बाद वह वादा के साथ कुछ नया जोड़ के और सरकार बनावे खातिर तरह से आग्रह करे लगी राजनीतिक दल के नेता। जी जी बिल्कुल। आज बिहार के जो वर्तमान स्थिति बा स्थिति में निश्चित रूप से 2000 में जब बिहार अलग भइल झारखंड से या बिहार से झारखंड अलग भइल तो निश्चित रूप से बिहार में जौन आय के साधन रहे वो कम भइल। आज जौन वर्तमान स्थिति बा ओकरा के लेकर के तरह याद हुई कि हमने के वो खबर कैले भी रही जा लेकिन हम देखा ये ज्ञान देवे खातिर लिखी है हम बात कहे खातिर आई बनी कि मोदी शाह जो बड़े वो कह ले बड़े अपन जुगाड़ कैसे उनका सरकार चलावे के बा बचावे के बा। और ये चर्चा हमने के काल सवेरे ही से करते हैं सबसे पहले चर्चा हम उन्हीं के छेड़ रही जा कि आखिर कैसे बाची सरकार और खातिर का जुगाड़ हो रहा है। तो सबसे बड़ बात होला कि देखो जब गाँव घर में तरह केहू से लड़ाई हुई तो कोशिश करब कि अधिक से अधिक लोग के ओकरा के छोड़ के जरा लड़ाइए ओकरा के छोड़ के बाकी सब लोग से जबरदस्ती का भाई ठीक बड़ो रत्नेश भाई अरे लौका तार ला ढेर दिन से ना ना भाई रनिया गाँव में तनी भेंट मुलाकात ना होता ला ठीक भाई। अच्छा फल्ला भाई कहाँ बड़े मैंने तारा से अब दोस्ती गांठे लगी हैं कारण कि उनका तो केहू से भिड़ंत हो गई बा। भारतीय जनता पार्टी भी तरीका के अच्छी तरह से जाने ले और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार में जमीन से लेकर के आसमान तक के लोग बा केहू पायलट बा तो केहू खेतिहर किसान बा केहू चाय बेचत रहे
एक तरीका के बहुत लोग बा जोन की के प्रोफेसर बा अपन सारा चीज के लेकर के और अपन अनुभव में साझा करला और यही अनुभव से मैंने आम जीवन के अनुभव से ही बहुत कुछ निकल के सामने आवेला। अभी सारा परिस्थिति के अगर तू बहुत ध्यान से देख तो एक बात तरह देखे कि मिली कि भारतीय जनता पार्टी अब के हली जो 32 गो सीट ओकरा कम भइल बा वो सीट के लेकर के उ अपन तैयारी करते हुए कि भाई कैसे 32 गो सीट के जुगाड़ कर जा। कल तरह से एक बात कह ले रहे ममता बनर्जी के बारे में, बिल्कुल ममता बनर्जी मुंबई में जौन भाजपा विरोधी गठबंधन रहला इंडिया, हालांकि ओकरा से निकल गई रही लेकिन समर्थन में अभी भी वो लोग के बाड़ी बाहर से कहना होगा, यानी कि ममता बनर्जी उस जगह पर खड़ा बाड़ी, उस चौराहा पर खड़ा बाड़ी जहाँ से उनका गाड़ी केनहू मुड़ सकेला। लेकिन ये गाड़ी तब मुड़ी जब उनका पता चल जाए कि हेने जाए तो एक्सीडेंट हो जाए, हेने रास्ता ऐसा खोजते जो मंजिल तक आसानी से पहुंचल जाए। बिल्कुल, कारण की एगो रास्ता से तू आई बड़ी, बाकी तीन गो रास्ता बाचल बा, जैसे आई बड़ी हो तो देखते बड़ी केने से आई बड़ी, लेकिन दाएं या बाएं या सीधे केने उनका जाए के बा। तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी वो जगह पर खड़ा बाड़ी और सबके टटोला तरीके से उंगली डाल के चेक करता है कि के कौना तरीका से कौना स्टेट ऑफ माइंड से बात। इस सारा बात के लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी बात अच्छी तरह से समझ रहा बा और यह कारण बा कि भारतीय जनता पार्टी लाख कह दो वो अपन तैयारी में लागल बा। एक साथ साथ नीतीश कुमार के तो देखले हो कि बार बार देखत नहीं है, कोई वीडियो तो रिवाइंड करके देखा तो लगे बिहार में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कानून राज स्थापित है, सब कुछ ठीक बा, कहे में तो बड़ी सुंदर लगेगा, लेकिन मुकेश सहनी के बाबूजी के घर में धूप के लोग मार देता और वो मारत नहीं थे, निर्ममता से बिल्कुल बिल्कुल एकर समझ में आवत रहे कि माने कौना दिशा में जा रहा बा। तब लेकिन बीजेपी के लोग मैंने इतना डिफेंड करता नो कि तेजस्वी के काल में का रहे, लालू राज में का रहे, भाई रोहरा राज में का बा ही ना बताई पहले रत्नेश, अगर तेजस्वी के बाबू जी या माई के राज में अगर बढ़िया रहे कही तो तारा के आरती लोग काहे दिखाई थे। सही बात, तारा के आरती दिखाओ के पीछे कारण वह न रहे, वही सुशासन बाबू के नाम पर तो टिकल बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बनल बा 2020 के बाद नीतीश कुमार बहुत कमजोर भइल बाड़े, इतना कमजोर भइल बाड़े कि अपराध भी बढ़ल बा और ऐसा बहुत चीज बा, जैसे अब अनंत सिंह के धरे के बा पॉलिटिकल मुजरिम के तो करा के धरे खाली तू कुछ कर सकेला, लेकिन आम आदमी के हत्या होके, आदमी के मर्डर होके, आम आदमी के साथ नजायज करे वाला लोग के धरे के होके तो पुलिस के सुरागे नहीं मिलत। आरसीपी सिंह के बेटी दूसरा के गाड़ी पर चढ़ के चल जास जाके धके ले जास, ये सारा चीज कहीं ना कहीं नजर आ रहा बा। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनल बा, हमने के मेन मुद्दा बा कि सरकार बनावे के कैसे जुगाड़ और जुगाड़ कर ले और नीतीश तेजस्वी के बिना कैसे सरकार बनी, तो ओकरा खातिर हमने के आवे के पड़ी उस जगह पर। तो पहले तो काल जो चर्चा हमने के शुरुआत के लिए रही जा नीति आयोग के नया टीम जो बना है, और टीम में बिहार से तीन लोग के शामिल कर लिया, तीनों लोग के बाद माजी चिराग, तो वो तीनों लोग ऐसा बोल गए, नाम हमने की पूछा, हम कहते नहीं वो तीनों लोग के बा नीतीश, वो नीतीश कुमार के छोड़ दो वो लोग बा जोन की नरेंद्र मोदी के सरकार के बचावे वाला लोग बा। पांच गो सीट लेकर के जहाँ चिराग पासवान बचे हैं, 12 गो सीट लेकर के ललन सिंह बचे हैं और 1 गो सीट लेकर के थुमी दे रही हैं जीतन राम मांझी, ये चलते तीनों आदमी के मंत्रिमंडल में जगह दिहल गई बा और एकरा में और लोग के दिहल जा सकत रहा, लेकिन ना देवे के पीछे कारण बा कि ऐसा आदमी के दे दो जना के आपन इकबाल होके। मौका मिलला पर जब एनडीए से नीतीश कुमार के समझा बुझा के या जबरियो कहलो, हो सकला जबरदस्तियों नीतीश कुमार कहलो कि ना तरह एनडीए में निकल रहे महागठबंधन जाए के बाद तो सब टीम तोड़ देता है, यो तो हो सकला, लेकिन नीतीश कुमार कहीं कहा कि हमारे के कहल रहना जैसे नीतीश कुमार उनके मुंह से बात कह गया अलग भैले कि ललन जी और विजेंद्र बाबू बता रहे थे कि हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर की जा रही थी, इसलिए हम बाप रे बाप वैसा गठबंधन में नहीं रहेंगे जो हमारा कुर्सियों छीन लेगा, और पार्टी एक तरफ कहते नहीं कि हमारा कुर्सी के कोनो लोभ लालच नहीं, दोनों बात अपने कहते नहीं। तो वर्तमान परिस्थिति जो हम बात तोना में भारतीय जनता पार्टी की जरूरत बा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनौले रखला के, और ओकरा खातिर ललन सिंह सबसे ज्यादा मजबूत अभी स्थिति में बाढ़े जदयू में बाढ़े इसमें कोनो दुराई है, उनका कहला पर सांसद लोग मान ली कि जब समय आए तो जा सकेला, लोग बहुत हद तक लोग जा सकेला,
जरूरत पड़ला पर हमें से 12 में से 6 गोलों के मंत्रिमंडल में शामिल कर जा सकेला। जरूरत पड़ला पर जब गर्दन अटक गई तो तू देखब कि सांप धैले बानी कि बिछी धैले बानी कि तू अपन गर्दन निकाले के पैरा में वह स्थिति में हुए। तो देख कहे के मतलब है कि समझौता तो कोनो स्तर पर हो सकेला। जब भारतीय जनता पार्टी भले ही कहे कि ना हमें कुछ नहीं कहिए मध्य प्रदेश में विधायक इस्तीफा दे करके और भारतीय भाजपा के सरकार बन जाते हुए तो का नहीं हो सकल। बिल्कुल ऐसा स्थिति में तू यो सुन लो कि जब ललन सिंह महागठबंधन में रहो तो उनका पर कालो कल रही बात। उनका पर एक तरह कई तरह के उनका दबाव बनत रहे उनका करीबी लोग पे जांच होके लागल। इस सारा चीज के लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बन बा ओकरा में ललन सिंह के भूमिका सबसे नंबर वन। टीडीपी से भी एक आदमी के आर नायडू के रखल गेल बा और के आर नायडू काफी मजबूत आदमी बाड़े। वो माने तोड़ सकेले सांसद लोग काफी मजबूत आदमी बाड़े और उनका के मंत्रिमंडल में शामिल कर गेल बा। तो एकर मतलब बा कि नरेंद्र मोदी के कुछ करीब आइल बाड़े। 20 सूत्री मांग थी में 20 सूत्री में भी शामिल कर और करीब अइला के मतलब बा उनका के मंत्री मंत्रालय दिहल गेल बा आंध्र प्रदेश से आवेले मंत्रिमंडल में शामिल कर लेबा। तो निश्चित रूप से इनकर कोनो विशेष उमे सहयोग रही अगर एने उन्हें कहीं चंद्रबाबू नायडू करते रहे तो इनको के वजह जगह बनावल जाए। यानी एक दो फोरम पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपन रास्ता बना ले लेबा। यानी 16 और 12 को के दावा करे वाला और सरकार गिरा दे भसा दे वाला कहे वाला हम ना बोले अब ना कह सकेले कारण कि इनका पता बाकी का हुई। अगर कहीं ऐसा हो गई ओकरा बाद का हुई जौन विपक्ष कहला कि भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है वो विपक्ष के बात अगर साँच बा कह लो कि कोनो बच जाए कुछ होगा कुछ ना बच जाए कुछ ना बची। ऐसा स्थिति में एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज बा कि नीतीश कुमार कहाँ बड़े और नीतीश कुमार के कौना तरीका से ट्रीट कर जाओ। नीतीश कुमार के अगर रिकॉर्ड देखल जाओ तो नीतीश कुमार के रिकॉर्ड 15% के रहल बा। नीतीश कुमार के 15% वोट और बार बार हम ये बात कहते नहीं कि जब 2020 के आंकड़ा हम देखा था नहीं तो 2020 के आंकड़ा में दू गो लोग के तू एक जगह कह दो चिराग पासवान के और उपेंद्र कुशवाहा। यानी दोनों के मिलाकर के करीब 8% के आसपास वोट जोन बा एगो के 1.77 और एगो के 5.66। यानी 8% के आसपास जोन वोट बा बेलाग जोन बा उन्हें मजबूती के साथ चल गिल बा। एकरा में 1% और जोड़ लतू जीतन राम मांझी के तो 9% हो गई। नीतीश कुमार के वोट अगर जोड़त रहतू तो नीतीश कुमार के 15% वोट आई रहे 15.39% वोट आई रहे 2020 में जी। अब एकरा में एगो और प्लस टू कर दो चिराग पासवान के जोन वोट आई बा उ वोट के एने लिया के तू अगर जोड़त रह तो एने भी तरह आंकड़ा में देखे पड़ी कि कितना वोट उनका मिलल बढ़ुए। तो वोट मिलला के जब तू एमें रास्ता निकालत रह तो एकरा में बिहार से और जब 2025 के चुनाव हुई तो ये लोग इंटैक्ट हो गई बा। एमें उपेंद्र कुशवाहा के वोट अभी नहीं जोड़ा जी। ये सारा के जोड़ घटाव करके अगर तू लेके चल जाता रह तो ये समझ में आ रहा बा कि नीतीश कुमार के वोटवा जोन बा उ 4-5% कम रहे। बिल्कुल उ 4-5% कम करे खातिर विभिन्न तरह के जुगाड़ हो रहा बा। आरजेडी के वोट कटवावल जाता आरजेडी के वोट कटी नीतीश कुमार में चलियो गेले 15% लेके तो ये तो उम्मीद कमे बा कि उनका 15% मिली कारण कि तू एने से उन्हें कूदा कूदी करब तो दुकानदारों बुझ जाले सब ना ये कीने वाला ना है खाली देखे वाला हो खाली दाम पूछा था दाम पूछे वाला है करके दिखाऊं के नहीं के ना ना भाई हमरा जाने के समान तू चल हम कहीं है हम कहीं बिहार के जनता बस ये काम करी। अब की हली अगर नीतीश कुमार एने से उन्हें पाला बदल ले तो बाकी जो बाचल बा हालांकि संभावना एकर कम बा लेकिन अगर बदलाता रहे तो भारतीय जनता पार्टी अपना घाती जुगाड़ कर ले बा। अब चिराग पासवान के साथ एक और वोट जुड़ रहा बा सवर्ण वाला वोट बिल्कुल उन्हें प्रशांत किशोर अपन तैयारी कहिए ले बाड़े। तो इस सब मिला जुला के जो वर्तमान परिस्थिति बनल बा परिस्थिति में कुछ आंकड़ा हमारे लगे रहते हैं रत्न सब चाहे तू आंकड़ा हम दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल वर्तमान परिस्थिति में जो स्थिति बनल बा 2024 के जो चुनाव भइल हा ओकरा के लेकर के हमनी के आंकड़ा तो बहुत सारा बतौल रही जा लेकिन अभी जो स्थिति बा एनडीए के ओकरा में जनता दल यूनाइटेड 44 सीट ओकरा लगे भी बा 74 सीट पर उ लीड करता 74 सीट पर उ लीड करता और एकरा मतलब बा कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के एक हिसाब से ग्राफ ऊपर बढ़ल बा। पिछला बार के अपेक्षा ग्राफ ऊपर आई बा और ये ऊपर कहे आई बा तो अब की हाली
चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों गठबंधन में बाए जी, जी। ये चलते ग्राफ ऊपर बहुत बार और 16 सीट में से 12 को जीत गए बड़े इहो एगो कारण बा बिल्कुल। एकरा बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के देखो तो 78 को सीट ओकरा लगे बा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो थोड़ा सा ग्राफ गिरे बा यही चलते भारतीय जनता पार्टी के बिटे रहा थी एमे 67 को सीट में उ लीड ले रहल बा। हम लोकसभा चुनाव के आधार पर बताओ तनी जी 12 को सीट जो जीत के आइल बा ओकरा में 67 को विधानसभा में उ लीड कर लेबा ओकरे आधार पर ओकरा 12 को सीट पर जीत मिलल बा बिल्कुल। एकरा अलावे लोक जनशक्ति पार्टी के बात करो तो ओकरा लगे एको को सीट नहीं खे लेकिन लोकसभा चुनाव में 29 को सीट पर लीड कर रहा हाँ, तो 29 को विधानसभा पर में लीड कर रहा और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी 4 को सीट बा और 4 सीट पर लीड भी कर रहा एकरा मतलब कि 174 सीट अभी जो वर्तमान परिस्थिति बा एकरा में लीड कर रहा बड़ू है नीतीश कुमार वाला 74 को घटा दो 100 सीट पर लीड कर रहा बिल्कुल बिल्कुल। अब एकरा में कुछ एड ऑन हुई वर्तमान जो परिस्थिति तो मान ली कि सीटवा में और भी ज्यादा ये लोग ली लो मान ली 29 को पे तो लीड करता रहे बिल्कुल 50 को से कम में डिमांड करी है ना 35 को से 60 को 35 को 40 से कम मिली ना जना घरी ई झमेला होई तना घरी अलग कहानी रचाई। एकरा बाद जो वर्तमान परिस्थिति बा ओकरा में अगर देख लो तो इंडिया गठबंधन के तो इंडिया गठबंधन में यही तरीका से घुमा फिरा के अइला पर साफ साफ नजर आता कि 70 को सीट के आसपास लीडिंग 59 को सीट ओ 59 को सीट पर लगभग वो लीड कर रहा बा। तो ऐसा स्थिति में सीधा सीधा तौर पे इंडिया गठबंधन पिछड़ रहा बा 2024 के चुनाव के अंतर्गत अगर देखा तब। लेकिन दूसरा तरफ अब तरह देखे के हुई कि नीतीश कुमार 115 सीट पे चुनाव लड़ के 43 को जीता रहा इनका टोटल वोट 64.84 यानी 64,84,000 के आसपास इनका वोट मिला रहे। भारतीय जनता पार्टी के 74 को सीट मिल रहे 110 पर चुनाव लड़ रहे जी एक 19.46% मिल रहे और 82 लाख से ज्यादा एक वोट मिल रहे। उहे हाल बढ़ुए कि अगर इन्हें लोक जनशक्ति पार्टी के तू देख ले 135% सीट पे चुनाव लड़ रहे एक सीट जीता रहे 5.66% वोट आई रहे और 23,83,000 यानी नीतीश कुमार के 64 लाख में से घटा दो 23 लाख तो लगभग 40 के आसपास बच जाता 40 लाख के आसपास वोट बच जाता। एकरा में अगर तू RLSP के जोड़ दो तो RLSP एको सीट नहीं जुटल लेकिन गठबंधन में रहे तो गठबंधन में करीब एक बार विधानसभा में कुछ बड़ा केस कर 24 से 28 लाख के आसपास ओकरा वोट आई है वो गठबंधन के तहत जो ना में RLSP रहे BSP रहे AIMIM रहे SJD रहे सुहेल देव BSP रहे जनवादी पार्टी रहे जनता दल इस सारा लोग के मिला करके कहीं ना कहीं वो स्थिति एक सामने खड़ा हो जाता। दूसरा का तरफ माहौल कारण कि कहीं ना कहीं एक चीज नजर साफ आ रहा बा कि जमा तरीका से प्रशांत किशोर लड़ाई लड़ रहा बड़े और प्रशांत किशोर के अलावे तो और लोग के नाम ले लो एकरा में महा दलित के लेकर के एक नया समीकरण बनावे की कोशिश कर रहा बन तो देख ले होगा कि महादलित के भी जोड़े की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से वोट भी देने उन्हें जा सकेला। एकरा अलावे अति पिछड़ा समाज के वोट के कोशिश कर जा रहा बा लेकिन ओकरा में कई गो लोग के स्टेक हिस्सेदारी बा बिल्कुल बढ़ल बा विद्यापति चंद्रवंशी ओकरा में अपन हिस्सेदारी मांग रहा बा वो लगातार तैयारी कर रहा सारा सब कुछ मिला जुला करके बात उतने तक आ रहा बा कि यह पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी करी का तो भारतीय जनता पार्टी 3 गो लोग के जो अधिकार दिले बा नीति आयोग में एकरा में नीति आयोग के काम बा थिंक टैंक के रूप में काम करना जी, जी, बिहार के का जरूरत बा काने के जरूरत ड्राफ्ट बना के दी एकरा बाद उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री होके के नाते सम्राट चौधरी भी अपन ड्राफ्ट पेश कर दिले बारे। एकरा अलावे राष्ट्र के कैसे विकास हुई राज्य के दीर्घकालीन विकास कैसे हुई बड़ा कैनवास पर कैसे देखा जाए ओकर बा केंद्र और राज्य के बीच में सामंजस्य बिठावे के विवाद बिल्कुल तब ये लोग से बढ़िया सामंजस्य के बैठे ये लोग तो मतलब स्तंभ बालो निश्चित रूप से खास करके 4 गो नाम जो मान लू ये 4 गो नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बा जो हमें TDP JDS हम LJP और JDU जी 5 गो जो दल बा और 5 दल के जो नेता बड़न जिनका के नीति आयोग कमेटी में रखल गई बा ये बहुत बड़ा हथियार बड़न एसेट बड़न नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो कि नीतीश कुमार और बिना तेजस्वी यादव के देश में तो सरकार बनेबे करी है बिहार में भी सरकार स्थापित करे के इनका में पूरा मादा बा और निश्चित रूप से अगर
देश में सरकार बाँचत रहे तो बिहार में सरकार बनाने में कोनो बहुत बड़ा बात नहीं है। चलिए देखिए तो नीतीश कुमार के लेकर के नरेंद्र मोदी चाहे जेपी नड्डा अमित शाह का सोचते रहे प्लानिंग के तरीके से बाकी 25 में भी नीतीश कुमार के साइड के कहल जा सकेला ए पर खूटा ठोकाई है खूटा ठोक पर इतना ही। लेकिन चर्चा भारत लाइव पर आज लगातार जारी रही। देखते रहें अपन चैनल अपन शो। बहुत बहुत धन्यवाद।